बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। और आज हम बात करने वाले हैं जो स्वास्थ्य संबंधित जो पेपर आपका बनता है, चाहे आप बीए में हो या फिर आप बीएससी में हो या फिर आप बीकॉम में हो, तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट एड एंड फूड हेल्थ के बारे में रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो पेपर आपका आता है, ठीक है, जिसे हम फास्ट एड्स एंड हेल्थ बोलते हैं। पेपर का एक टैग बन जाता है, एक नाम बन जाता है। तो उसमें हमने पार्ट 4 हमने करा रखे हैं, पार्ट 4 करा रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 को देखेंगे। और जो हमने पहले बता रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और यदि आप हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाकर paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर हमारे यहाँ देखिए paperhacker.in इस तरीके से खुल जाएगी। और जिस क्लास में है, जैसे कि बी ए सेकेंड सेमेस्टर है, बी एस सी सेकेंड सेमेस्टर है, बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर है, इन पर टच करके अपने एम सी क्यू क्वेश्चनों की पीडीएफ वगैरह सब कुछ आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है, आसानी पूर्वक। तो स्टार्टिंग करते हैं पार्ट 4 5 को। 4 हमने यहाँ तक देख लिया था कि शरीर में शरीर के किस भाग में भोजन का पाचन होता है, तो छोटी आंत में। अब बात करने वाले हैं 115 क्वेश्चन से, ठीक है, हम 115 क्वेश्चन से देखेंगे पार्ट 5 में। यह बोला गया है कि एंजाइम रहित अम्ल होता है वो होता है पितरस। पितरस क्या होता है? एंजाइम रहित अम्ल होता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, देखिए, तो पितरस होता है, एंजाइम रहित होता है, एंजाइम इसमें नहीं होता है, और पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होता है वो शिश्रांत में होता है, मतलब कि सबसे बड़ी आंत को बोलते हैं, ग्रहणी छोटी आंत को बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो उसको जो शेषांत मतलब शेष आंत, शेषांत का मतलब होता है लास्ट वाली आंत, बड़ी आंत में होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया है कि अग्न्याशीय रस कहाँ बनता है, तो अग्न्याशय में बनता है। और यूरिया कहाँ बनती है, तो याकृत में बनती है। भाई 18वां क्वेश्चन मैं आपको हर बार में बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को पढ़ना है, बस तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि जो रदनक, जो हमारे दांत होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो होता है फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ना रदनक दांतों का, ठीक है, रत्नक, चरमंडक, अग्रसक, मंडक, ठीक है, कृंतक, वो चीज़ें, कृंतक हमारे अगले वाले दांतों को होते हैं, रत्नक हमारे जो नुक वाले दांत होते हैं वो, इनकी संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 लार ग्रंथि होते हैं, 3 जोड़ी होती हैं, 3 प्रकार की नहीं होती है, ये जोड़ी होती हैं, यदि 6 होती हैं वैसे लार ग्रंथि 6 होती है। उसके बाद में बोला गया है कि मनुष्य में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है, तो विटामिन 1 संग्रहित होता है। नीचे बोला गया है कि मनुष्य में एक दंतीय दांतों की संख्या होती है 12, एक दंतीय जो दांते होते हैं वो उनकी संख्या 12 होती है। यहां बोला गया है कि पितरस किसके पाचन में सहायक है, तो बसा के पाचन में पितरस सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम सहायक होता है, एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होता है। पेट पाचन का केंद्र है, तो पेट क्या है, पाचन का केंद्र है, किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, बचा का, प्रोटीन का, उपरोक्त सभी का। अग्न्याशय है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है अग्न्याशय, जिसमें बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, उपाचीय के दौरान शरीर में अवशेष छोड़ देने वाला भोज्य पदार्थ है वो है तेल और बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अल्पकालीन ज्वर होता है, अल्पकालीन का मतलब होता है अल्पकालीन ज्वर, मतलब बुखार कह सकते हैं इसमें, यहाँ कह रहा है तीव्र परंतु कुछ दिन तक रहने वाला, तीव्र है लेकिन परंतु क्या है, कुछ दिन तक रहने वाला कहलाता है। ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान कितना हो जाता है, जब आपको फीवर हो जाता है उस समय आपका तापमान शरीर का, देखो फीवर की स्थिति में शरीर का तापमान होता है, यदि फीवर आपका साधारण जो तापमान होता है वो कितना होता है, 98.4 फॉरनहाइट में होता है। यदि आप इतना तापमान है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 98.4 फॉरनहाइट से अधिक है, मतलब कि बड़ा हुआ है, 99 है, 100 है, 104 है, तो आपको बुखार है, ज्वर है, ये कह सकते हैं। नीचे बोला गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, मैंने आपको बताया 98.4 फॉरनहाइट होता है, यदि सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ गया है, अतिसार के रोगी को किस चीज़ का घोल देना चाहिए, जो अतिसार का रोगी होता है उसके लिए चीनी और नमक का घोल देना चाहिए। नीचे बोला गया है,
रेशयुक्त आहार दिया जाता है, ये अतिसार वाले पेशेंट को दिया जाता है रेशयुक्त आहार। यहां बोला गया है तीव्र अतिसार में किस प्रकार का आहार दिया जाता है, तो तरल आहार दिया जाता है। उसके बाद वह है निम्न में से किस स्थिति में ओआरएस का घोल दिया जाता है, तो अतिसार में। अतिसार का मतलब है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, या हमारा जो पेट है वो चल रहा है, पेट खराब है, लूज मोशन हो गए हैं, उस वक्त इस ओआरएस का यूज किया जाता है। यहाँ बोला गया है नमक और चीनी का घोल इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यू बना रहे और पानी की कमी भी हमारी पूरी होती रहे। ठीक है, तो अतिसार के रोगों के आहार में निम्नलिखित नहीं करना चाहिए, तो तंतु और रेशयुक्त पदार्थ, ये उनका आहार संतुलन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में बोला गया है अतिसार में किन तत्वों की कमी हो जाती है, तो पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। जिस व्यक्ति का पेट चल जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया बन जाती है, उस वक्त हमें अतिसार रोग को लग जाता है उसको, और इसमें पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। यहाँ बोला गया है पौष्टिक तत्वों की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो अतिसार रोग हो जाता है। नीचे बोला गया है कि ज्वर से क्या आशय है, बुखार से आपको क्या आशय होता है, तो आप जानते हैं कि शरीर का तापक्रम सामान्य क्रम से बढ़ जाता है, जैसे कि 98.4 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, उसमें हमें बुखार की संभावना होती है, बुखार होता ही है। उसके बाद में है अतिसार रोग शरीर के किन अंग में विवधान होने से होता है। मान लीजिए आपका जो अतिसार रोग होता है वो कौन से या किस अंग में व्यवधान होने से होगा, तो छोटी आंत। छोटी आंत में जब प्रॉब्लम हुई है, छोटी आंत की प्रॉब्लम से ही क्या होता है, हमारा लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, बाकी किसी और से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को आहार में क्या देना चाहिए। आप मान लीजिए आपको व्यक्ति को कोई बुखार आ गया है, तो आप उस व्यक्ति को आप कौन सा आहार देंगे, कौन सा खाना देंगे, तो यहाँ बात की जा रही है उपरोक्त सभी खाना देंगे, जैसे कि आपको सूप दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं, उपरोक्त सभी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दीर्घकालीन ज्वर है वो, एक दीर्घकालीन का मतलब है बहुत समय से जो बुखार आता है उसे दीर्घकालीन बोला जाता है, और यही हमारा टाइफाइड का रूप ले लेता है, और टाइफाइड का मतलब है आपको कम से कम 12 से 14 दिन एंटीबायोटिक खानी होती है, और तब कहीं ये बुखार के जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे ब्लड में वो खत्म हो जाते हैं। अतिसार का कारण क्या होता है, अतिसार जिसे हम लूज मोशन बोलते हैं, जो रुकते नहीं है, दवाई खाने पे भाई लेकिन हम बोतल चढ़ा देते हैं तब रुकते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, तो आप मैंने बताया छोटी आंत का कारण होता है, जैसे कि कुपोषण का मतलब हो गया, ठीक है, विषाक्त भोजन हो गया, या फिर विषाणुयुक्त संक्रमण से यूज कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है तीव्र ज्वर की स्थिति में वर्जित है, तो तीव्र ज्वर मतलब होता है बहुत तेज बुखार आया है, उसमें आपको क्या वर्जित होगा, तो आप कहोगे तना भुला भोजन, ये वर्जित है, मतलब कि ये आप और रेशयुक्त भोज पदार्थ, और कह सकते हैं जो मिर्चे और मसाले युक्त भोजन, ठीक है, ये वर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यदि टाइफाइड में शरीर के कौन से अंग सूजन आ जाती है, मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया है तो आपके कौन से अंग में सूजन आ सकती है, तो आप बोलोगे आंतों में सूजन आ जाती है, जिससे हमारा भोजन पूरी तरीके से नहीं पचता है और हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, भूख नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अतिसार रोग शरीर के किन तंत्र से संबंधित है, अतिसार जो रोग होता है वो पाचन से संबंधित होता है और डायरेक्ट लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ है ओआरएस का मिश्रण होता है, ओआरएस में चुटकी भर नमक होती है और कह सकते हैं और भर शर्करा, मतलब शर्करा शक्कर कह सकते हैं, जो मीठा चीनी और नमक का घोल होता है ओआरएस, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिसार की अवस्थाओं में निर्जलीकरण से बचाव का उपाय कहलाता है, अतिसार जब आपको हो गया है, लूज मोशन हो गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसमें आप किस तरीके से बचाव करेंगे, तो आप याद रखिए जीवन रक्षक घोल लेना चाहिए, जीवन रक्षक घोल जिसे हम ओआरएस बोलते हैं, इसको आपको पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति द्वारा दिन में अनेक बार मल त्याग करने के
विकार को कहते हैं, मतलब आपको क्या हुआ, बहुत बार आपने मल त्याग किया है, लूज मोशन हुए हैं आपको, कई बार दिन में कई बार हो चुके हैं, तो उसको हम अतिसार का नाम देते हैं। कब्ज नहीं बोलेंगे, कब्ज अलग होता है, मतलब कि पेट में दर्द हो के साथ लूज मोशन आना वो कब्ज कहलाती है। लेकिन अतिसार का मतलब होता है डायरिया, या फिर आप कह सकते हैं आपको कई बार आए और लूज मोशन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उस वक्त आपको कहेंगे। अतिसार की अवस्थाओं में कौन सा तरल पदार्थ लाभदायक होता है? तो जौ का पानी, दूध रहित चाय या फिर नारियल का पानी बहुत आवश्यक होता है। अतिसार मतलब कि द्वितीय अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को क्या होना चाहिए या फिर क्या देना चाहिए? तो यहाँ बोला गया है सूजी की खीर आपको अतिसार व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। सूजी की खीर बना के देते हो तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। वही बात की जा रही है, ज्वर की स्थिति में कितने प्रतिशत अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है? यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार आ गया है तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत हमें ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता होगी और प्रोटीन की? तो आप कहोगे 50% अधिक। यदि किसी को बुखार है तो उसे पहले 50% में ही काम चल रहा था, तो उसको 100% एनर्जी और प्रोटीन दोगे तब उसका पूरी तरीके से पोषण हो पाएगा। नीचे बोला गया है अल्प अवधि का एक ज्वर है, तो अल्प अवधि क्या है? अल्प मतलब कि बहुत कम समय में जो ज्वर आ जाता है, जैसे कि निमोनिया हो जाती है, अल्प अवधि की ज्वर अवधि कहलाती है या फिर बुखार कहलाता है, अल्प समय का, कम समय का। कह रहा है ज्वर कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, अल्प ज्वर और एक दीर्घ ज्वर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है जौ का पानी लाभदायक होता है अतिसार में, मतलब जब आपको लूज मोशन हो गया है तब। यहां कह रहा है धुएं में, धुएं से आंखों आंखों की कॉर्निया में होता है, तो जब धुआं पड़ जाता है तो आंखों की कॉर्निया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको जलन वहां महसूस होती है, जलन होती है। यह कह रहा है श्वसन अवरोध से पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाता है तो क्या करना चाहिए? यदि श्वास मतलब सांस नहीं मिल पा रही है, उस व्यक्ति को बेहोश हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय हमको क्या करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को? उसमें CPR देना चाहिए, CPR देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है CPR देना चाहिए, मतलब कि अपने मुंह से उसके मुंह में फूंकना चाहिए। ठीक है, पानी के छींटे मारने चाहिए, नहीं मतलब फूंकना चाहिए, मतलब CPR देना चाहिए। यहां ध्यान देंगे, मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई कब होती है? उपरोक्त सभी में, जब उसे दम घुटता है, ठीक है, फांसी लगने पर और गला फूलने पर व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र में जोड़ को कहा जाता है संयुक्त कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का जो जोड़ होता है उसको हम संयुग्मन कहते हैं या फिर संयुक्त भी कह सकते हैं या कमन कमिन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 199 वा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ कि CNS जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, इसकी क्रियाशीलता के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आपको के लौह अवड़ की आवश्यकता होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रण रखना त्वचा का मुख्य कार्य होता है। उसके बाद में है कि एक नमक रोग हो जाता है जिसे हम डर्मेटाइज नामक एक रोग होता है, जिसके शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? ये त्वचा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद है निम्न से त्वचा संबंधित रोग कौन सा होता है? तो त्वचा संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि एक होता है एक्जिमा, एक्जिमा एक त्वचा संबंधित रोग होता है। नीचे क्वेश्चन एक बोला गया है 163 बोल रहा है कि निम्न से किस प्रकार जलना अधिक खतरनाक है? तो भाप के द्वारा जो जलना है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, यह कह रहा है अंतःस्रावी ग्रंथि नियंत्रण होती है, तो तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की सफाई ना करने से कौन सा रोग हो जाता है? दाद, खाज, खुजली हो जाती है जब आप त्वचा की सफाई नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, ऐसा कुछ होता है तो आप इंट्राकोनाजोल कैप्सूल 250 mg में ले सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 50 एज से ऊपर है, तो 50 किलोग्राम से आपका वेट ऊपर है तो आप इंट्राकोनाजोल 200 mg में लीजिए, और टर्बेनाफाइन आप 200 mg में लीजिए। इनको सभी को आपको टर्बेनाफाइन को दिन में एक बार और इंट्राकोनाजोल को दिन में दो बार आपको सुबह शाम खाने हैं। आपको जो भी इन्फेक्शन होगा, त्वचा संबंधित फंगस होंगे, वो सब खत्म हो जाते हैं। नीचे यहाँ बोला गया है रेबीज के
ठीक है, कि खोज किसने की थी? तो आपको पता है ये पास्टर द्वारा की गई थी, लुई पास्टर से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक से रक्त बहने की दशा में क्या करेंगे आप? जब नाक से रक्त बह रहा है तो उसमें रोगी को क्या करेंगे? थोड़ी सी बर्फ, ठीक है ना, थोड़ी सी बर्फ चूसने के लिए दें। जब किसी व्यक्ति के नाक से ब्लड बह रहा है, दशा बह रहे ब्लड बहने की दशा है या फिर बह रहा है, उस आपको क्या करना चाहिए? उसको बर्फ चूसने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 168 बोल रहा है कि बिजली का झटका लगने पर क्या उपचार करना चाहिए? तो रोगी को कंबल लपेटेंगे और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारेंगे, जिससे क्या होगा, बिजली के जो बंदा बेहोश होगा वो उठ जाएगा और इसको कंबल से लपेट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि जो सिरा से रक्त स्राव होने पर क्या होता है? जब मान लीजिए किसी सिरा से रक्त स्राव होता है तो रक्त थोड़ी देर में से अंतराल से निकलता है। रक्त क्या होगा? थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर निकलेगा यदि वो सिरा से निकलेगा तो, ठीक है। उसके बाद में है 170 क्वेश्चन बोल रहा है कि त्वचा के जल जाने पर क्या करना चाहिए? जले भाग पर कह सकते हैं वर्नोव या फिर गोले का तेल लगाना चाहिए। यदि आप गोले का तेल और कपूर मिलाकर लगाते हैं जले स्थान पर तो बहुत जल्दी, जहां गोले का तेल अकेला आप लगाएंगे तो 50% काम करेगा, वहीं यदि आप कपूर इसमें मिला देते हैं तो उसको 100% आपको रिजल्ट वहां देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का 171, यहां कहा गया कि प्याज का रस या फिर कच्चे आम का पना दिया जाना कहलाता है, तो यह लू लगने पर, ठीक है। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन रहे, 171 क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, और 171 क्वेश्चन आपके हमने पार्ट जो हमने बात की है पार्ट 4 और पार्ट 5 में किया, ठीक है। पार्ट 4 और पार्ट 5 में हमने इनको मेंशन किया है 171 क्वेश्चनों को, आप इन क्वेश्चनों को देख लेना। इसमें यूनिट नंबर 2 को हमने क्लियर कर दिया, यूनिट पहले को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है यूनिट 3 को, और यूनिट 3 को हम एक भाग में डिवाइड करेंगे, और यूनिट 4 जो रह जाएगी उसको हम लगभग में एक या फिर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आप देखते हैं तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट जो एड एंड हेल्थ से जो पेपर जो कोई क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है paperhacker.in वेबसाइट का, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री में आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।